बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल ऑफ डिजिटल ईडन गार्डन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपने स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जनरल साइंस 7 इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस और ईडन गार्डन स्कूल का भी ये सिलेबस है। चैप्टर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन प्लांट ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इंसानों और पौधों में तरसील। तो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में जो पहली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से स्टूडेंट्स क्या सीख पाएंगे, वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। इस डिटेल को फिलहाल हम जो है ना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो लेसन पढ़ के हमें पता चलेगा कि हमने क्या सीख पाए, और हम आगे बढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट या तरसील। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हम ये सीख चुके हैं दैट आवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन, के हमारे जिस्म को खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, तवानाई पैदा करने के लिए। वेस्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में फालतू चीज़ें भी पैदा होती हैं। हाउ डू मटीरियल्स मूव इन आवर बॉडी, तो ये सारे मटीरियल हमारे जिस्म में किस तरह से हरकत करते हैं। द सप्लाई ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन इटीसी, खुराक पानी और ऑक्सीजन की फ्राहमी, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारे जिस्म से फालतू चीज़ों का एहराज, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इसको नकलो हमल या तरसील कहते हैं। तो दो काम होते हैं, एक तो खुराक पानी और ऑक्सीजन की फ्राहमी जिस्म के अंदर, और दूसरे नंबर पर जिस्म के अंदर जो फालतू मटेरियल होते हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती उनको बाहर निकालना। तो इन दोनों का जो सिस्टम है जो संभालता है इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ामे दुराने खून, खून की गर्दश का निज़ाम इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में, सर्व्स दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है 2.1, वो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसान का ब्लड सर्कुलेट सिस्टम या निज़ामे दुराने खून, जो खून चक्कर लगाता है पूरे जिस्म में, उसका पूरा सिस्टम। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा निज़ामे दुराने खून है, कंप्राइजेज, ये मुश्तमिल होता है हार्ट, दिल, ब्लड वेजल्स, खून की नालियाँ, एंड ब्लड और खून। तो तीन चीज़ें हैं, एक हो गया हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, ब्लड वेजल्स है खून की नालियां हैं, और साथ जो ब्लड है वो खुद, तो तीन चीज़ें मिलके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। आवर हार्ट इज़ ए पंपिंग आर्गन, हमारा जो दिल है ये एक पंपिंग आर्गन है, पंप करने वाला उज्व है, इट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेजल्स, और ये खून को खून की नालियों में पंप करता है। तो सबसे पहले हम हार्ट को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। आवर हार्ट इज़ ए मस्कुलर आर्गन, हमारा जो हार्ट है ये मसल्स का बना हुआ एक उज्व है, आर्गन है, अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, और इसकी जिसामत हमारी मुट्ठी की तरह है। तो मुट्ठी आप बंद करें, हाथ को बंद करें, मुट्ठी बन जाती है, तो इसकी जो शक्ल और इसकी जो जिसामत है बिल्कुल सेम इंसान का हार्ट होता है। ये नीचे इसकी डायग्राम दी गई है। द हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, दिल हमारे सीने में पाया जाता है, इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। इसके दो काम है कि ये ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसको कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो जिस्म से इकट्ठा करता है और उसमें ऑक्सीजन कम होती है, इसको लेके आता है टू द लंग्स, लंग्स में लेके आता है। तो हार्ट का काम यह है कि इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये कम ऑक्सीजन वाले खून को पंप करता है टू द लंग्स, लंग्स की जानब, यानी पूरे जिस्म से ब्लड इकट्ठा होकर दिल में आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो इस ब्लड को ये लंग्स को भेज देता है, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, दूसरी तरफ लंग्स से जो ऑक्सीजन से भरा हुआ खून इसको मिलता है हार्ट को, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, टू द बॉडी, ये जिस्म के बाकी हिस्से को ट्रांसपोर्ट कर देता है, पंप कर देता है। देर आर फोर चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हमारे दिल में चार चैम्बर या चार खाने होते हैं, टू अपर चैम्बर्स, दो ऊपर वाले चैम्बर, कॉल्ड आर्टरिया, जिनको आर्टरिया कहते हैं, सिंगल को आर्टरियम और मजमूई तौर पे आर्टरिया कहते हैं, एंड टू लोअर चैम्बर्स, और दो नीचे वाले खाने कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये आपको दिखा दें यहाँ पे, ये जो है ये वाला, इसको कहेंगे राइट आर्टरियम,
और इसको कहेंगे ये ऊपर वाला, ये दोनों छोटे हैं, इसको कहेंगे लेफ्ट आट्रियम, ये दोनों ऊपर वाले हैं और ये छोटे हैं, लेफ्ट आट्रियम राइट आट्रियम, वैसे इनको दोनों को मजमूई तौर पे आट्रिया कहेंगे। और ये नीचे वाला जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये ऊपर वाले आट्रियम से बड़ा है, और ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल ये भी ऊपर वाले राइट आट्रियम से बड़ा है। तो दोनों वेंट्रिकल बड़े हैं, नीचे हैं दोनों राइट और लेफ्ट, और ऊपर वाले जो आट्रियम है ये इनके मुकाबले में छोटे हैं। तो जनाब हम ये पढ़ रहे थे कि दो आर्ट्रियम हैं, दो आर्ट्रियाँ हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं। द वेंट्रिकल्स एंड टू द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर दैन द आर्ट्रिया। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये आर्ट्रिया से बड़े हैं। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, दोनों आर्ट्रिया एक ही वक्त में सुकड़ते हैं। एंड सो द वेंट्रिकल्स, और यही काम जब बारी आती है वेंट्रिकल के सुकड़ने की, तो ये भी इकट्ठे एक ही वक्त में सुकड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इन टू द वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। देयर इज ए वॉल्व बिटवीन ईच आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, हर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व बना हुआ है। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, दिल के दोनों जानब, दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ये खून को एक सिमत में एक डायरेक्शन में बहने में मदद देते हैं। ये देखें डायग्राम में, ये यहाँ पे एक वाल्व है, इसी तरह यहाँ पे एक वाल्व है। जब ब्लड ये वाला जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल में भेजता है, तो उससे पहले ये वाल्व लगा हुआ है, और ये यहाँ वाला ब्लड नीचे रहता है, ऊपर वाला ब्लड ऊपर रहता है, ये आपस में मिक्स नहीं होता। जब हार्ट ऊपर के जो आर्ट्रियम है पंप होते हैं, ये दोनों एक ही वक्त में पंप होते हैं, तो इसका ब्लड वाल्व खुलता है और यहाँ नीचे आ जाता है, यहाँ से ब्लड जो है ये यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो इस तरह से ये मूव करता है। तो ये वाल्व जो है खून को एक सिमत में बहने में मदद देते हैं। ब्लड अगर नीचे आ जाएगा तो ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यानी इसकी सिमत एक ही रहेगी। देर इज अ वॉल्व बिटवीन ईच आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के दोनों जानब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है। दीज वॉल्व कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ये खून को एक सिमत में फ्लो करने में मदद देते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट आर्ट्रियम, तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम से एंटर होता है, यानी ये यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से एंटर होकर ये राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट आर्ट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम, तो जो डीऑक्सीजनेटेड कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम से दाखिल होता है और ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है जो कि लंग्स में से आया ये लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होता है और यहाँ से ये पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। द राइट वेंट्रिकल पुशेज द ब्लड, जो राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को पुश करता है टू द लंग्स, लंग्स की जानब, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेज द ब्लड टू द बॉडी, तो जो खून यहाँ पे जमा हुआ था ये राइट वेंट्रिकल में, यानी ये राइट आर्ट्रियम से आया था राइट वेंट्रिकल में, यहाँ आया था, तो ये यहाँ से पुश होगा, पुश होकर लंग्स में जाएगा, क्योंकि ये वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है और वेस्ट मटीरियल्स हैं, तो ये यहाँ से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, तो लंग्स इसमें से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करेंगे और ऑक्सीजन को इसमें शामिल करेंगे, और लंग्स से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और यहाँ से ये पंप होकर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके तो जिस्म के तमाम पार्ट्स को भेज देता है। तो ये है इसकी ब्लड की सर्कुलेशन, इसको डायग्राम को अच्छी तरह समझें और इसको देखें। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हाउ डज आवर हार्ट वर्क, हमारा दिल किस तरह से काम करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन हार्ट एक्ट्स एज ए डबल पंप, ये डबल पंप का काम करता है। ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंटर्स द आर्ट्रिया, फेफड़ों के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में ये आर्ट्रिया में दाखिल हो जाता है।
द टू आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आर्टरिया एट द सेम टाइम एक ही वक्त में सुकड़ते हैं एंड पुश द ब्लड टू वेंट्रिकल्स, और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इट इज वन पंप, इसको पहला पंप कहते हैं। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, अब दोनों वेंट्रिकल एक ही वक्त में सुकड़ते हैं एंड पंप द ब्लड टू लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जो लंग्स को जाने वाला ब्लड होता है वो लंग्स में चल जाता है और जो जिस्म के बाकी हिस्सों को जाने वाला ब्लड होता है बाकी हिस्सों में चल जाता है। इट इज द सेकंड पंप, इसको सेकंड पंप कहते हैं। आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स ए मिनट, हमारा दिल एक मिनट में 70 मरतबा धड़कता है। वी कैन फील आवर हार्ट बीट, हम अपनी दिल की धड़कन को जिसको पल्स कहते हैं या नब्ज कहते हैं, वाइल प्लेसिंग आवर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन द अंडर साइड ऑफ द रिस्ट, अपनी कलाई के अंदर की तरफ हम अंगूठा रख के तो ये नब्ज को हम चेक कर सकते हैं। अगला पार्ट है जी ब्लड वेजल्स या खून की नालियां। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स, तो जिसम के पूरे जिसम में जो खून गर्दिश करता है तो ये काम ये खून की नालियों के जरिए करता है। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, तीन किस्म के ब्लड वेजल्स या खून की नालियां हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। तो इसकी डिटेल आगे आती है। आर्टरीज वो खून की नालियां जो कि हार्ट में से ब्लड को लेके जिस्म के बाकी हिस्सों में जाती हैं, तो ये जब सेल लेवल पे पहुंच जाती हैं तो ये तकसीम दर तकसीम के अमल से कैपिलरीज बन जाती हैं। तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये एक सेल की शक्ल में होती है और यहाँ से ये सेल्स को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटीरियल इकट्ठा करती हैं और दोबारा जॉइन रीजॉइन होकर ये वीन्स बनती हैं। वीन्स के अंदर जो ब्लड होता है ये कम ऑक्सीजन वाला और वेस्ट मटेरियल वाला होता है, तो ये वेस्ट मटेरियल जो मुतलका सिस्टम है वहाँ दे दिया जाता है और जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है वीन्स उनको इकट्ठा करके दोबारा लंग्स में ले आती हैं। तो इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। आर्टरीज आर दी ब्लड वेजल्स, ये खून की नालियाँ हैं। दैट कैरी ब्लड अवे फ्राम दी हार्ट, जो दिल से खून को परे ले जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, इनकी दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अक्सर जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेके जाती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स तक लेके जाती हैं। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू स्मॉलर ट्यूब्स, आर्टरीज तकसीम होती रहती हैं और ये बारीक ट्यूबें बन जाती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स इन द बॉडी, जिस्म के अंदर जो सबसे छोटे खून की नालियां हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। दे आर सो स्मॉल, ये इतनी छोटी हैं दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम, कि जो खून के जो खुलिए हैं ये एक सेल एक वक्त में इसमें से गुजरता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इन टू द सेल्स, अब ये जो कैपिलरीज हैं जो कि बहुत बारीक नालियाँ हैं इनके अंदर जो ग्लूकोज या खुराक होती है और जो ऑक्सीजन होती है ये सेल्स इनमें से डिफ्यूज़ कर लेते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स, और सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है फालतू मादे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डिफ्यूज इन टू दी ब्लड ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज के ब्लड में जज्ब होकर वापस आ जाता है। कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म दी लार्जर ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज दोबारा आपस में जॉइन करके बड़ी खून की नालियाँ बनाती हैं जिनको कहते हैं वीन्स। वीन्स आर दी ब्लड वेजल्स, वीन्स खून की वो नालियाँ हैं दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू दी हार्ट, जो खून को जो उन्होंने सेल्स में से इकट्ठा किया है उसको वापस हार्ट में लेके आती हैं। मोस्ट ऑफ दी वीन्स ब्रिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट, ज़्यादातर वीन्स जो कम ऑक्सीजन वाला खून होता है जो उन्होंने जिस्म के सेल्स से इकट्ठा किया होता है उसको लेके आती हैं हार्ट में। बट पल्मोनरी वीन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट, लेकिन पल्मोनरी वीन्स ऐसी वीन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके आती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।